Enchanté. सभी हम भारतवासी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस उत्सव को जब भारतवासी हम मनाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हम उनको प्यार से बोलते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान दिवस है। अब जन्माष्टमी क्यों शब्द देते हम? चाहे कोई बच्चा रात को भी जन्म लेता है तो भी जन्मदिन कहते हैं, और श्री कृष्ण के लिए क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। और श्री कृष्ण छोटा सा बालक, उसको सारी जो है, हम भारतवासी हैं, चाहे हम भारतवासी विदेश में भी चले गए हैं, उनको प्यार करते हैं। वो कौन आत्मा थी जो इतनी प्यारी थी, इतनी महान थी? तो वो आत्मा सबसे श्रेष्ठ थी, जो आज हमारे प्यारे प्यारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा की आत्मा, वही भविष्य में जाके श्री कृष्ण बनते हैं। और उनके माता पिता की इतनी महिमा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो इतना ऊंचा, इतना महान कैसे बने? उन आत्माओं ने कब ये पुरुषार्थ किया? तो वह आत्मा संगम युग पर ब्रह्मा बाबा की तन वाली आत्मा योग सीखती है, और अपने जो अनेक जन्मों के जो है कर्म नाश करती है। तो वही आत्मा भविष्य में ऊंच बनती, महान बनती, श्रेष्ठ बनती, वह श्री कृष्ण कहलाती है। उनके नाम है सुंदर, तभी उनको कहते श्याम सुंदर। तो सुंदर कहाँ है? वह सत्युग में आत्मा, और संगम पर पुरुषार्थ करके ऐसा ऊंच महान बनी। वही आत्मा फिर 84 जन्म लेती है, उस तन में ही फिर परमपिता शिव प्रवेश कर उनके द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो जन्माष्टमी पर मनुष्य श्री कृष्ण को देखो, झूले में बड़े प्यार से झूला झुलाते हैं, उनको जो है मक्खन खिलाते हैं, उनको जो है उनके साथ खेला खेलते हैं, उनको बहुत स्नेह से जो है बुलाते हैं। तो वो कारण है कि वही फर्स्ट प्रिंस है, राजकुमार श्री कृष्ण। उनको पत्ते पर भी दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर। वास्तव में कोई बच्चा पीपल के पत्ते पर नहीं पैदा होता है, परंतु ये संसार जो है एक किस्म से पूरा जब जगह जगह पानी 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 हो जाता, एक जगह थोड़ा सा जो जगह बची तो पीपल के समान पत्ता बन जाते हैं धरती। तो उस पर ही हमारा प्यारा प्यारा श्री कृष्ण राजकुमार धरती पर आते हैं। तो लोगों ने समझा कि ये पत्ते पर आते हैं। ये सारा जो है वृक्ष एक पत्ते के समान है, यानी पहला पत्ता है श्री कृष्ण इस सृष्टि के अंदर, राजकुमार। और
उसी राजकुमार ने जो है मनुष्य से देवता बन वो प्रिंस बना, वही नारायण बनता है भविष्य में बड़ा होकर के, स्वयंवर के बाद श्री नारायण ये नाम चलता है उनका। धीरे धीरे सत्य उत्तरेता द्वापर में, जब द्वापर में आ गए तो उनका नाम सुंदर से श्याम बन गया, क्योंकि द्वापर में रावण का राज्य आ गया, अज्ञानता आ जाती है, तो अज्ञान होने के कारण ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे अंदर आ जाते, जिससे आत्मा श्याम बन जाती और वही आत्मा फिर रजो से धीरे 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 तमो प्रधानता में आ जाती। तो वो श्याम के बाद जब तमो प्रधान हो गई तो फिर सतो प्रधान बनने के लिए योग तपस्या करती है आत्मा, और फिर अपने पापों को भस्म करके और शुद्ध होके फिर वापस परम धाम में चली जाती है। फिर वापस आएगी तो सुंदर बन के वहां सत्य में पहुंचती है। ऐसे ऐसे सारा सृष्टि चक्र में चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। तो वही आत्मा हम सब भी उनके साथ हैं, श्री कृष्ण के साथ, अकेले नहीं वहां पर। तो इस हिसाब से हम सब का भी उनके साथ जन्म होता है। तो ये संगम पर उनका आना हुआ आत्मा का, वो समझते द्वापर में आया, लेकिन वो तो सत्युग में आती आत्मा, द्वापर की बजाय वो कहाँ आई, सत्युग में। इस हिसाब से मनुष्य ने थोड़ी सी वह गड़बड़ कर दी, जो कि कहा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया, वो द्वापर में उनका यादगार आया, न कि श्री कृष्ण आया। ऐसे धीरे धीरे जो है ये ज्ञान योग सीख करके दैवी गुण धारण करके वो आत्मा कर्मातीत अवस्था में पहुंचती है। उनका नाम बाबा ने रखा ब्रह्मा। ओम शांति।